नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक बार जय ममता सुनाई दे रहा है। जय ममता, जय ममता, एक बार जय ममता, जय ममता, एक बार खड़े होकर सब लोग जय ममता, जय ममता, जय ममता, जय ममता, जय ममता। आज का ये जो कार्यक्रम था, ये हमारा काफी दिनों से हम एक छत के नीचे जमा होने का कोशिश कर रहे थे, तो आज ये ममता के माध्यम से हम एक छत के नीचे जमा हुए हैं, जिसका उद्देश्य हमारे जो टेक्नीशियंस हैं ममता के, जैसे कि एक्सरे टेक्नीशियन है, सोनोग्राफी टेक्नीशियन रहते हैं, पैथोलॉजी में टेक्नीशियन रहते हैं, ऐसे सारे टेक्नीशियंस जो हैं वो सब हम चाहते हैं एक साथ आए और उनके साथ कुछ गलत ना हो। अभी कैसा है, कोई किसी के भी साथ कुछ भी होता है, लेकिन वो कहीं भी रोने के लिए बोलने के लिए तैयार नहीं रहते, उनको कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो कहीं भी बोल नहीं सकते, कोई उनका सुनने के लिए नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि हम एक जगह एक छत के नीचे आए और एक दूसरे का समस्या सुने। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए, कितना सक्सेसफुल आज के कार्यक्रम और कितने लोग आए यहाँ? आज का कार्यक्रम हमारा, हमने जो सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा सक्सेस रहा। हमें उम्मीद नहीं थी कि लोग, संडे क्या रहता है, टेक्नीशियंस के भी संडे को छुट्टी काफ़ी सारे लोगों को नहीं रहते हैं, उसमें से भी लोग समय निकाल के और यहाँ पे आए तो वो बहुत बड़ी बात है। उस हिसाब से काफ़ी सारे लोग आए यहाँ पे। ममता के बारे में जानना चाहेंगे, ममता क्या चीज़ है, किस चीज़ पे काम करती है? ममता का फुल फॉर्म है, पूरा नाम उसका है मुंबई ऑल मेडिकल टेक्नीशियन एसोसिएशन। तो ये एसोसिएशन है तो ये एसोसिएशन में काम करती है, सबको एक साथ लेके चलना। इसके साथ ये सामाजिक कार्य भी करेगी आने वाले समय में। अभी हमारा शुरुआत है हमारा, इसके बाद हमारा सामाजिक कार्य में भी हम डायग्नोस्टिक सेटअप, हॉस्पिटल, मेडिकल कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, ऐसे सारे कार्य निरंतर करते रहेंगे, महीने दो महीने ऐसा करते रहेंगे, जिससे कि आम जनता को भी फायदा हो उसमें। जो लोग आपके मेंबर बनते हैं उनके लिए ममता की तरफ से क्या सुविधाएं दी जाती है, और जो अभी तक मेंबर नहीं बने हैं उनको मेंबर बनने के लिए क्या कहना? देखिए, ममता का जो मेंबर बने हैं उनके लिए सुविधा, हम उनके भाई की तरफ खड़े हैं, परिवार के तरह हम खड़े हैं उनके लिए। अभी परिवार में कुछ भी अगर होता है तो जैसे परिवार के श्रेष्ठ जो लोग रहते हैं वो कैसे खड़े रहते हैं, वैसे हम खड़े हैं उनके लिए। और जो हमारे मेंबर नहीं बने हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी वो जुड़े हमसे और मेंबर बने, क्योंकि हम पढ़ाई के लिए कोई खड़े नहीं रहते हैं, हमने घर के जो रहते हैं घर के लोग के लिए ही रहते हैं। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जल्दी वो मेंबर बने और जुड़े, ताकि हमारा जो शक्ति है, ताकत है, वो और बड़ा हो। मेंबर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, कहाँ मिलना पड़ता है? मेंबर बनने के लिए कुछ नहीं, लोकल अभी ऐसा है 100 के आसपास हमारा मेंबर हो गए हैं, तो उनको केवल अभी यहाँ भी रजिस्ट्रेशन करने की व्यवस्था है, नहीं तो अगल बगल में जहाँ भी वो जॉब करते हैं तो उनको भी आसानी से मालूम हो जाता है कि मेंबरशिप कैसे मिलने का। इसके लिए हम जो भी उससे गलत होगा, जब टेक्नीशियन पे अभी हमारा जो पद है वो डॉक्टर के पद के अनुसार है, मतलब डॉक्टर से जो पहले पेशेंट लोग हमको भी पहले करते कंसल्ट करते, टेक्नीशियन जो रहता है उसका पद रहता है डॉक्टर के साथ, जैसे डॉक्टर रहते हैं वैसे ही उनका ही पद रहता है, तो उनके साथ कोई अच्छा अत्याचार होता है, मतलब डॉक्टर लोग ऐसे अभी छोटे मोटे सब संस्था है, जैसे कि छोटे मोटे जो रहते संस्था उनका संस्था, लेकिन हमारे टेक्नीशियन कोई संस्था नहीं है, उनके ऊपर कुछ डॉक्टर लोग बिना वजह वैसे ही निकाल देते हैं उनको, तो हम उन पर अत्याचार जो गलत होता है उसके लिए हम खड़े हो सकते हैं उनके लिए। उनके ऊपर ही डिपेंड रहता है, ब्लेम करते हैं, तो जो उनपे जो टेक्नीशियन का जिम्मेदारी रहता है वो अपने खुद भवु को भी वो निभाता है, ऐसा नहीं वो गलत करता है, उसका जो मेडिकल जो फील्ड रहता है वो इतने सालों से एक्सपीरियंस रहता है, लेकिन उसका गलत जैसे डॉक्टर लोग उस पर डाल देते हैं कि तुमने गलत किया, सही मायने में वो गलत नहीं होता है, क्योंकि उसके ऊपर जो भी गलत होगा उसके लिए हम खड़े हैं, क्योंकि उसके जो भी गलत होता है, क्योंकि डॉक्टर लोग पहले उनके जिम्मेदारी पहले डॉक्टर बोले तुमने गलत किया, ऐसा नहीं होता है, मशीनरी की रहती है कुछ अलग होता है, तो कुछ गलत करता है तो उस पर ब्लेम आया, तो उसके लिए हम खड़े हैं। उसके लिए अगर एक जन खड़ा रहता है तो कुछ नहीं होता, उसे उसके भी 10 जन के 100 जन खड़े रहेंगे तो कुछ फर्क पड़ता है, क्योंकि अभी अकेला कुछ कभी डॉक्टर ने कह दिया तुमको
नेचुरली कुछ रहता है उसका, रहता है पर्सनल प्रॉब्लम होता है, एक दिन हुआ तुम निकाल दिया उसको, वो क्या करेगा, किधर जाएगा? क्यों छोटा मोटा होता है अभी रिक्शा वाले के बड़े दुकान वाले जो बड़े बड़े एसोसिएशन है, डायमंड्स वाले रहते हैं या कपड़े वाले रहते हैं, उनका कुछ भी अभी जैसे जीएसटी का हुआ है जैसे तो कपड़े में सब बंद कर दिया, अभी हम टेक्नीशियन के वो एक को निकाल दिया तो क्या करेंगे वो? अब तक आपके संस्था से कितने लोग? हमें तक तो 100 जन जुड़े हैं और हम अभी तो हमको आज हमने सोचा कि हम जो इतना भी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज़्यादा जन आए आज हमारा जो प्रोग्राम हुआ है आज, ये हम लोग को देख के बहुत खुशी हो रही है, बहुत सारा हर्षोल्लास हो रहा है, बिकॉज सब्जी वाले से लेकर डायमंड वाले तक का सबका एसोसिएशन था, हम लोग का नहीं था, इसके लिए हम लोग को काफ़ी सारी दिक्कतें फेस करना था, करना पड़ता था, बट अभी हम इसमें जीरो से स्टार्ट किए और अपर लेवल तक जाएंगे, ठीक है, और इसमें हम हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, जैसे किसी भी स्टाफ के साथ कोई हरासमेंट हो रहा है, किसी भी स्टाफ को 2 साल 4 साल काम करके ऑन द स्पॉट निकाल दिया जाए तो उसकी जो फैसिलिटी जो होती है उसको जो उसके अधिकार होते हैं उसके लिए हम पूरा लड़ाई करेंगे और उसके लिए उसका पूरा दायित्व उसको दिलाएंगे। थैंक यू। सबसे प्रथम तो मैं मुंबई टेक्नीशियन एसोसिएशन के जो सभी सदस्य है, ममता करके जिनकी संस्था है, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक महत्वपूर्ण कदम आज के इस इनके एसोसिएशन के माध्यम से उन्होंने उठाया है। लैब टेक्नीशियन ये पूरी जो मेडिकल सिस्टम है उस मेडिकल सिस्टम के डॉक्टर जितना महत्वपूर्ण हिस्सा है, जितना नर्सेस महत्वपूर्ण हिस्सा है, उतना ही लैब टेक्नीशियन भी महत्वपूर्ण हिस्सा है, और ऐसे सभी लैब टेक्नीशियन को इकट्ठा करके उनकी जो समस्या है और समस्या के साथ साथ उनका इस क्षेत्र के लिए कैसा कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहिए, इस दृष्टि से आज उन्होंने एक कदम उठाया, इसके लिए अभिनंदन के लिए पात्र है। आने वाले टाइम में आपकी तरफ से किस तरह का सहयोग मिलेगा ममता से? जैसे मैंने कहा कि इनकी कुछ समस्या भी है, इनके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज भी है, ये दोनों दृष्टि से इनको जो जो मदद लगेगी सदन के अंदर में वो उठाऊंगा, सदन के बाहर माननीय मुख्यमंत्री होंगे, मेडिकल मिनिस्टर होंगे, इन सब के पास जाकर इनकी जो भी समस्या है, जो प्रश्न है, वो हल करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। ममता एसोसिएशन बना है, बड़ा अच्छा है कि एक टेक्नीशियन लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं, खासकर ये जितने भी टेक्नीशियन हैं ये जो प्राइवेट क्लिनिक्स में काम कर रहे हैं उनकी हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में हैं उनका नहीं है, और समस्याएं इतनी हैं जो मैंने अपने स्पीच में भी कहा कि देखिए, एक जैसे अभी सर ने भी बताया कि पेमेंट कितनी है किसी ने पूछा नहीं, आपने भी शायद नहीं पूछा होगा कभी, हम सीटी स्कैन के लिए चार्ज कितना करते हैं, उसका आधा भी अगर उनको पेमेंट दिया जाए तो एक टेक्नीशियन को कोई समस्या कभी नहीं आ सकती, तो बड़ी समस्याएं हैं इन टेक्नीशियन लोगों की। और आप गवर्नमेंट सेक्टर में देखेंगे, या मैं बीएमसी के हॉस्पिटल की बात बताता हूं, मैंने एक दो पेशेंट जहां पे भेजे थे वहां पे टेक्नीशियन ही नहीं रहते, तो कम से कम गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जहाँ पर टेक्नीशियन नहीं है, जो प्राइवेट सेक्टरों में 8,000-7,000 ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 पे 8-8 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, तो ऐसे जो एकदम जानकार टेक्नीशियन हैं उनकी भर्ती गवर्नमेंट सेक्टर में कर लेना चाहिए। मैंने इस ममता के माध्यम से इनके जितने पदाधिकारी हैं मैं उनको कहा है कि जो भी ऐसी समस्याएं हैं आपकी, जो मांगे हैं, मैंने आज तक कभी किसी न्यूज़ में नहीं पढ़ा टेक्नीशियन अपनी कोई मांग लेके गया हो, कोई धरना हो, कोई जैसे साहब रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में दिया तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है कि ये मुद्दे उनको उठाना चाहिए। डॉक्टर्स अपने मुद्दे उठाते हैं, आप एक ऑपरेट करना है आपको स्टोन का 40,000 रुपये, वहाँ भी टेक्नीशियन है अगर, तो उसकी पेमेंट कितनी, वो भी तो गवर्नमेंट को पूछना चाहिए था ये सब। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।